करनाल के महात्मा गांधी चौक पर समाज सेवी प्रोफेसर जोगिंदर मदान के नेतृत्व में एक दिवसीय उपवास रखा गया, जिसमें उनके साथ ही उनके साथ मौजूद रहे जोगिंदर मदान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि करनाल के विधायक होते हुए मुख्यमंत्री महोदय करनाल में अपना समय नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण करनाल में लोगों के कार्य नहीं हो पाते। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, सिर्फ अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए एक दिन का उपवास रखा गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री को जागरूक करने का काम किया जाएगा कि उनकी अनुपस्थिति में करनाल में कार्य नहीं हो रहे और जिसके चलते उनको सप्ताह में एक दिन करनाल में अवश्य आना चाहिए और लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जो आंदोलन के तरीके अपनाकर शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात रखते थे, उसी को अपनाते हुए यहां पर शांतिप्रिय ढंग से उपवास रखा जा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और बिना राजनीतिक भेदभाव के यहां पर लोग पहुंचकर समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री करनाल में सप्ताह में एक दिन देते हैं तो हर नागरिक को इसका लाभ मिलेगा। आप भी देखें क्या कुछ कहा उपवास पर बैठे समाज सेवक प्रोफेसर शिक्षाविद जोगिंदर मदान ने। हमारे साथ हैं समाज सेवी जोगिंदर मदान, जो सीएम सिटी में सीएम के जगाने के लिए, उनको जागृत करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो व्रत भी रखे हुए हैं, उपवास भी रखे हुए हैं। बताना चाहेंगे सीएम सिटी में आपको क्या जरूरत आन पड़ी इस तरह के धरने की? आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर समय नहीं देते, समय न देने के कारण बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती है। विशेष रूप से कार्यकर्ता, हर प्रकार का कार्यकर्ता वो निराश है, उनका मनोबल टूटा हुआ है और मनोबल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी को एक सप्ताह में आधा दिन करनाल की जनता को देना चाहिए। करनाल की जनता उनके परिवार है और परिवार के कारण हर व्यक्ति का परिवार अपने परिवार में जाता है। हर मुख्यमंत्री जाता रहा अपने घर में, मंत्री जाते हैं, परंतु मुख्यमंत्री जी अपना परिवार समझते हुए आधा दिन एक सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से दे, उससे कार्यकर्ताओं की समस्याएं समाप्त होंगी, उनकी नाराजगी दूर होगी, प्रशासन ठीक होगा, विकास कार्य बढ़िया होंगे और संपर्क होगा। एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि विकास कार्य हो रहे हैं, करनाल की काया बदली है, ईमानदार भी हैं, परंतु संजीव संपर्क मुख्यमंत्री जी का या MLA का अपनी जनता से होना चाहिए, इसी मांग को लेकर हम निवेदन कर रहे हैं और ये हमारा निवेदन है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। तो किस तरह मतलब आप जागरूक करना चाहते हैं? क्या जागरूक? हमारी बात मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी और हम अखबार के माध्यम से, मीडिया एक स्तंभ होता है, मीडिया ही एक वो चीज है जो किसी को भी व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर सकता है। तो मेरा विचार ये है, हमने आज यहाँ एक जो हमने गांधी जी का यहाँ पे उपवास के लिए उचित स्थान यही है, हमने उपवास रखा है, कोई धरना या भूख हड़ताल नहीं रखी हुई। यहाँ पर जो है हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, जपजी साहब का पाठ हुआ है, सुंदरकांड का पाठ हुआ है और जो है जल चालीसा पढ़ा गया है, यहाँ पे गौ माता की। हम अध्यात्म से पॉजिटिव एनर्जी को लेते हुए मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि शहर की जरूरत है, आधा दिन एक हफ्ते में वो देना तय करें, ऐसी मानसिकता बनाएं। कितने दिन से बैठे हैं आप यहाँ? मैं आज ही बैठा हूँ और आज का है एक सांकेतिक है ये, उसके बाद जैसे भाई कहेंगे आगे देखेंगे। जोगिंदर मदान, देखिए जोगिंदर मदान जी करनाल में के जनमान्य व्यक्ति हैं, इन्होंने करनाल के लोगों की मिशा आवाज उठाई है, लेकिन इनको पीड़ा है कि जो हमने MLA बनाया वो मुख्यमंत्री बन के मनोहर लाल जी खट्टर वो सुनवाई नहीं करते, वर्करों को मिलते नहीं, लोगों को मिलते नहीं। वो चाहते हैं भी हफ्ते में कम से कम आधा दिन करनाल के लोगों को दे। करनाल की बहुत सारी समस्या है जो दूरी रह जाती है, जो लोग उनके तक नहीं पहुंच पाते, अलग स्थिति हो या कोई स्थिति हो, उसको लेकर धरने में बैठे हैं और मैं राजनीति से ऊपर उठकर इनके कंधे से कंधा मिला के इनके साथ हूँ, करनाल के लोगों के साथ हूँ, उनकी जो बात है वो जायज बात है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।